आज हम बनाएंगे व्रत में खाने के लिए एकदम स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी, जो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और आज हम एकदम नए तरीके से बनाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है। साबूदाने तो कई तरीके के आते हैं, तो एकदम ये सफ़ेद वाला और छोटा वाला साबूदाना, ये साबूदाना बहुत जल्दी फूल कर तैयार हो जाता है। लगभग एक घंटे में अच्छे से फूल जाता है। तो मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है, और जब ही साफ पानी आने लगा है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसे भिगाते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। बस इसके बराबर ही पानी रखना है, तो फटाक से एक घंटे में फूल जाता है। तो साबूदाना हमारा फूल के तैयार हो गया है। तो अब हम बिना किसी देरी के इसे फटाफट बना लेते हैं। तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए गैस को मैंने जला के कढ़ाई को रख दिया। कढ़ाई हमारी गर्म है, हम इसमें मूंगफली का तेल डालेंगे। आप देसी घी में ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी साबुत मेथी डाल देंगे। तो मेथी हमारी एकदम बढ़िया से चटक गई है, आप देख सकते हैं कलरफुल हो गई है बढ़िया से। तो अब हम इसमें 2 लाल मिर्ची कटी हुई डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्ची से बहुत बढ़िया सौंधापन नाश्ते में आता है। बस अब इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें मूंगफली डाल देंगे और थोड़ा ये भी रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का। तो मूंगफली आपको इसी तरीके से भून लेना है, थोड़ा चटक जाए और कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें 5-6 बादाम कटा हुआ डाल देंगे। तो मूंगफली और बादाम तड़का हमारा भून चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे, बिना छिलका वाला है। बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इससे, सौंधापन भी आएगा। थोड़ा इसे भी भून लेते हैं। तो आप जब भी बादाम डालें बस थोड़ा सा रोस्ट कर लें, तेल गर्म रहता है तो बादाम बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भून लेंगे तो जल जाएगा। तो जब भी आप तिल डालें तो बहुत ज़्यादा टाइम तक ना भूने, नहीं तो तिल भी जल जाता है। बिना छिलका वाला फटाक से भून कर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अगर आप आलू डाल के खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो इस समय आप आलू डाल के थोड़ा फ्राई कर लें, और बिना आलू का हमारे तरीके से बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं। तो अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो साबूदाना डाल के मैंने मिक्स कर दिया। ये साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही जल्दी फटाक से बनके तैयार हो जाती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सेंधा नमक जो आप व्रत में खाते हैं वही नमक डालें। तो नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक इसे हम एकदम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो लगभग 2 मिनट साबूदाने को ढके हुए हो गए हैं। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो साबूदाना हमारा आप देख सकते हैं बढ़िया से बिखरा बिखरा मोतियों जैसा तैयार हो गया है बनके। कितना अच्छा और कितना टेस्टी बनके तैयार हुआ है। एक बार हमारे तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें। आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाकर खाएंगे, इतना टेस्टी खाने में लगता है। तो अब हमारे नाश्ते के स्वाद बढ़ाएगी दुगना ये भुनी हुई धनिया पाउडर। मैंने अच्छे से भून लिया है, बहुत ज़्यादा जलाया नहीं है और दरदरा इसे पीस लिया है। अब हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे और अच्छे से 1 मिनट बिना ढके हुए हम इसे मिक्स करेंगे। तो लगभग मैंने 1 मिनट अच्छे से इसे चलाते हुए भून लिया है। अब अच्छे से हमारा नाश्ता बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गया। तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। और आज की हमारी साबूदाने की नाश्ते की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम।